डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम आपको क्लास गैस्ट्रोपोड्स के फीडिंग डाइजेशन गैस एक्सचेंज और लोकोमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे जितने भी गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके अंदर जो लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर है वो है फुट फुट के साथ जो है वो ग्लैंड मौजूद हैं जिनको हम ट्रेल ग्लैंड कहेंगे ये ट्रेल ग्लैंड जो हैं सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और फुट जो है इनके ऊपर ट्रेलिंग मूवमेंट शो करेगा अब जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोर्ड्स हैं वाटर के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर फुट के साथ साथ सिलिया भी मौजूद होंगे ये सिलिया जो है दिस विल प्रोपेल द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस अब जो लार्ज गेस्ट्रोपोर्ड्स हैं उनका फुट जो है दिस विल शो द मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अब कुछ गेस्ट्रोपोड के अंदर जो फुट है उसके डिफरेंट अडेप्टशनज हैं लाइक कुछ में क्लिंगिंग के लिए यूज़ होगा और सी बटरफ्लाइज और सी हेयर्स में फूट जो है इट इज़ यूज फॉर स्विमिंग पर्पज़ जहाँ तक इसके फीडिंग और डाइजेशन की बात है तो गेस्ट्रोपोड जो है एल से लेकर कोई भी स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडी में मौजूद है दैट कैन सर्व एज फूड फॉर द गेस्ट्रोपोड हर्बीवर्स भी हो सकते हैं गेस्ट्रोपोड्स क्योंकि ये लार्जर प्लांट्स के ऊपर भी फीड करेंगे वेंजर्स भी हो सकते हैं पैरासाइट्स भी हो सकते हैं प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं अब इनका बॉडी के अंदर जो एंटीरियर पार्ट है दिस इज नॉर्मली मॉडिफाइड विद दी हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस प्रोबोसिस जो है इट इज़ अ अपीरेंस ऑफ माउथ प्रोबोसिस के साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है रेडुला दिस स्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ दो स्नेल्स विच आर प्रिडेटरी और ये अप्रीडेट्री हैं तो ये ऑब्वियसली वाटर से एनिमल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है एनस है और फूड जो है वन सीट्स एंटर्स द माउथ वहाँ पे ये म्यूकस ट्रिंक्स के साथ ट्रैप हो जाएगा म्यूकॉड मास जो है दे विल मिक्स विद द फूड और इस स्ट्रक्चर में अब हम फूड को कहेंगे प्रोटोस्टाइल प्रोटोस्टाइल जो है माउथ के बाद स्टमक में चला जाएगा स्टमक के अंदर देर आर सीलिया दे विल हेल्प इन रोटेशन ऑफ द फूड और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि विजरल मास में है दे विल रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजाइम्स दे विल एक्ट ऑन द फूड और वो इसकी डाइजेशन कर देंगे डाइजेशन करने के बाद जो है बॉडी के वेस्ट जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ फीकल पैलेट्स इंटस्टाइन में आ जाएंगे और जो गैस एक्सचेंज होगा गैस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ मेंटल मेंटल इज अ लेयर दिस हेल्प्स नॉर्मली इन गैशियस एक्सचेंज अब जो प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके अंदर टू गिल्स हैं जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं दे हैव लॉस्ट वन गिल बिकॉज ऑफ द कोइलिंग और क्वाइलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फिनिना ऑफ टॉर्चर कुछ गैस्ट्रोपोर्ड्स ऐसे भी हैं देव रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल और उसको हम कहेंगे साइफन साइफन का क्या मतलब होता है पैसेज यानी जब ये पानी में रह रहे होंगे उस पैसेज से वाटर जो है दिस विल एंटर द बॉडी अब गेस्ट्रोपोड की कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो कि बरोइंग करेंगे अब बरोइंग के लिए क्या होगा बर्विंग जो है स्पीशीज के अंदर दे एक्सटेंड द साइफन टू द सर्फेस ऑफ द सबस्ट्रेट टू ब्रिंग वाटर अब गिल्स जो हैं जो कि ऐसे स्नेल जिनको या गार्डन स्नेल जो कि लैंड के ऊपर मौजूद हैं इनके अंदर गिल्स जो हैं दे आर नॉर्मली रिड्यूस्ड अब गिल्स रिड्यूस्ड हैं तो इसमें क्या होगा जो वेस्कुलर मेंटल है मेंटल इज़ हाईली वेस्कुलर ताकि यहाँ से गैशियस एक्सचेंज ईजीली हो सके अब मेंटल की कंट्रैक्शन जो है विस विल हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर थ्रू द मेंटल कैविटी अब दिस इज द डायग्राम ऑफ ए जनरलाइज्ड कैस्ट्रोपोट्स हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंदर माउथ माउथ के साथ सिलाइबरी डक्ट सिलाबरी डक्ट्स जो हैं इनके साथ जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टमक लाइक स्ट्रक्चर फिर इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है दे विल बी एलिमिनेटेड आउट थ्रू दिस एनस फिर फुट है फुट के साथ म्यूकस क्लैंड हैं नॉर्मली नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ गेंगलियन गेंगलियन इज़ नथिंग बट अ थे नर्व मास गियॉन्स हेड में भी मौजूद हैं और फुट में भी मौजूद हैं वो गेंगलियन जो फुट में मौजूद होंगे उनको हम पीडल गेंगलियन कहेंगे और जो हेड में मौजूद हैं उनको हम कहेंगे सेरिब्रल गेंगलियन और जो नर्वस इसके लिए सेंसरी स्ट्रक्चर हैं दे आर टेंटिकल्स और आइज टेंटिकल्स जो हैं दे विल एक्ट एज एन एंटीने और इनके ऊपर ये सेंसरी नर्व्स मौजूद होंगी कोई भी वाटर के अंदर ऐसा टॉक्सिक मटेरियल हो जो इनके लिए डेंजरस हो तो इसमें टेंटिकल्स के जो सेल्स हैं दे यूजुअली डिटेक्ट और जो डेंजर जोन से फिर ये एनिमल डिसप्लेस हो जाएंगे फिर इसके अंदर वेल डेवलप्ड हार्ट है हार्ट के साथ आर्टरीज हैं किडनी Kidney है किडनीज में प्रोटोनफ्रीडिया होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इसके अंदर मेल फीमेल दोनों होंगे गोनेड्स हैं गोनेड्स आर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल मेल जो है वो ओवरी ओवरी इज प्रोवाइडेड विद ओविडक्ट और फिर इसके अंदर जो टेस्टिस हैं टेस्टिस इज डक्ट विद्ड वेस्ट डिफरेंस अब वेस्ट डिफरेंस एंड ओविडक्ट्स बोथ ही गोनेड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर एग एंड स्प दे आर प्रोड्यूस्ड But they are moved out of the body through the excurrent water or uh, Bakika process fertilization ka that will take place outside the body. So this internal structure of a generalized gastropod depicts a good picture of the representatives of Phylum Mollusca.